नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने थामा टीएमसी का दामन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा समय पर नहीं मिल रहे टीके। प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा केंद्र में जन विरोधी निकम्मी सरकार। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आरएसएस प्रचारक निंबाराम का किया समर्थन, कहा कांग्रेस मामले का कर रही राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए महामारी में प्रौद्योगिकी के महत्व को बताया। संबोधन के दौरान सबसे पहले उन्होंने विश्व के सभी देशों में महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में ऐसी महामारी पहले कभी नहीं देखी गई। पीएम मोदी ने कहा कि अनुभव से पता चलता है कि कोई भी राष्ट्र, चाहे वह राष्ट्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अलगाव में इस तरह की चुनौती का समाधान नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अभिजीत मुखर्जी ने साल 2012 और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर बंगाल के जंगीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2019 में भी उन्हें इसी सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन वो जीतने में कामयाब नहीं हो सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई नेता टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। भागवत ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। संघ और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। मायावती ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कल एक कार्यक्रम में भारत के सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने की बात किसी के भी गले से नीचे आसानी से नहीं उतरने वाली है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66A को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, लेकिन पुलिस अभी भी इसके तहत मामले दर्ज कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई और केंद्र से जवाब मांगा कि देश भर में अब तक इसके कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके खिलाफ एनजीओ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रदेश में आज लगभग 70,000 वैक्सीन डोजेस बची है, जो आज लगा दी जाएंगी। वैक्सीन की कमी के कारण आज भी अधिकांश जिलों में वैक्सीनेशन का काम बंद हो गया है। राजस्थान को आवश्यकता के मुताबिक वैक्सीन केंद्र सरकार से नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण बार बार वैक्सीनेशन रुक जाता है। राजस्थान में वैक्सीन का वेस्टेज भी नेगेटिव है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण आम जन परेशान है। मैं केंद्र सरकार से पुनः निवेदन करता हूँ कि राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जाए, जिससे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा हो सके और तीसरी लहर का खतरा समाप्त हो सके। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक 7 जुलाई को होगी। ये बैठक शाम को 5 बजे होगी। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने और आगामी पर्यटन सीजन के मद्देनजर अहम कदम उठाए जाने की संभावना है। इसके साथ ही मानसून सीजन में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाने, कृषि जीन्स, खाद्य और उर्वरक वितरण की पुख्ता करने पर भी मंथन होगा। कैबिनेट की बैठक में आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कोविड की संभावित तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयारियों सहित कई अहम फैसले हो सकते हैं। हालांकि अभी बैठक का एजेंडा नहीं आया है। बीवीजी घूसकांड और फोन टैपिंग प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़े जो सामने आए हैं, मैं सोचता हूं कि पिछले 70 साल में कभी भी आपराधिक मामलों में वृद्धि, रिकॉर्ड महंगाई, बेरोजगारी, छटनी, वैक्सीन की विफलता, किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा 70 सालों में पहले नहीं देखा गया। इसके साथ ही भाजपा के कार्यालय को लेकर भी आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में जन विरोधी निकम्मी सरकार है, सरकार के पास कोई नीति नहीं है, मंदिर चंदे के नाम पर रसीदें नहीं दे रहे, जनता समय आने पर जवाब देगी। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने वर्चुअल प्रेस वार्ता की।
उन्होंने आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम का रिश्वत कांड में नाम आने का बचाव किया। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कहा कि जयपुर ग्रेटर निगम में सफाई का काम देखने वाली कंपनी बीवीजी से निलंबित मेयर के पति राजाराम के बीच राम मंदिर को लेकर बात हुई थी, सरकार ने इसे काट छांट करके पेश किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ संघ को बदनाम करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जोधपुर विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति के मामले पर सरकार का ध्यान नहीं गया और बिना बात संघ को बदनाम किया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस 7 से 17 जुलाई तक केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर अभियान चलाएगी। इसको लेकर राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के अभियान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि खीसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राठौड़ ने राज्य की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के राज में आम आदमी तकलीफ में है। राजस्थान में महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक वेट है, सबसे महंगी बिजली भी राजस्थान में ही है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने टोल से मुक्ति दिलवाई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे भी फिर से वापस शुरू कर दिया। राम मंदिर चंदे को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के जन्मदिन के दिन उनकी आत्मकथा का विमोचन किया गया था। इसमें 27 कुलपतियों ने शिरकत की थी। इसमें से 19 कुलपतियों के ड्राइवरों को ये पुस्तक दी गई थी और बिल थमाया गया था। पुस्तक के व्यावसायिक वितरण को लेकर विवाद हो गया। इस पर राज्यपाल ने मीडिया में आए समाचार के बाद घटना पर संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने अपने सचिव को इस घटना से संबंधित लोगों का स्पष्टीकरण लेने को कहा है, साथ ही दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाए जाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक शराबी ड्राइवर ने जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत एक कार चालक ने बैक गियर में कार दौड़ा। इस दौरान उसने सड़क पर खड़ी करीब आधा दर्जन कारों को टक्कर मार दी। इसके बाद एक शोरूम की दीवार से टक्कर लगने के बाद कार रुकी। हादसे में शोरूम की पार्किंग में खड़ी दो कारें टक्कर लगने के बाद बेसमेंट में झूल गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान किसी को चोट नहीं लगी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वैशाली नगर थाना पुलिस ने क्रेन बुलाकर क्षतिग्रस्त कारों को साइड में खड़ा करवाया और कार चालक को पकड़ लिया। ग्राम पंचायत जाजोद में कृषक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। ये आयोजन अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता जाजोद उप सरपंच मग्न कंवर ने की। मुख्य अतिथि HDFC एग्रो जनरल बीमा कंपनी वॉइस प्रेसिडेंट दिल्ली निवेदिता मंडल थे। कृषि पर्यवेक्षक दीपाराम चौधरी ने बताया कि जाजोद ग्राम पंचायत की 30 कृषक महिला व 60 कृषकों ने भाग लेकर योजना के बारे में जानकारी ली। संगोष्ठी समापन पर बीमा प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर को एक एक पौधा पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रश्नोत्तरी में प्रथम स्थान पर मनीषा महला रही। इस अवसर पर अनेक कृषक मौजूद रहे। मैं शरण कुमार कुड़ी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुझे मूंगफली के नुकसान के ऊपर लगभग 90,000 रुपये का क्लेम मिला, इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप फसल बीमा करा के इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। आज ग्राम पंचायत जाजोद में अमृत महोत्सव योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके अंदर लगभग 30-35 कृषक महिलाओं व 40-50 कृषकों ने भाग लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी ली। मानसून का इंतजार कर रहे डीडवाना वासियों के लिए अच्छी खबर है। डीडवाना शहर में मानसून ने आखिरकार दस्तक दे ही दी और दोपहर बाद झमाझम बारिश से लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली। दोपहर बाद आसमान में बादल छाने लगे और एकाएक हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। करीब 30 मिनट तक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश का लोगों ने जमकर आनंद लिया। वहीं दूसरी ओर बारिश से जगह जगह पानी का भराव हो गया और लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। जोधपुर के बावड़ी उपखंड के बिराई गाँव में नटों की ढाणी में एक झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से कपड़े सहित रसोई सामग्री जलकर राख हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार SP नट ने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी। आग लगने के समय घर में कोई नहीं था। थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते कुछ मिनटों में झोपड़ी जलकर स्वाहा हो गई। आग लगने से कपड़ा, कागजात, राशन सामग्री सहित सारी वस्तुएं जलकर राख हो गई। सूचना पर बिराई सरपंच मुन्ना राम सारण और ग्राम विकास अधिकारी सुरेश कुमार नारोलिया मौके पर पहुंचकर उन्होंने मौका मुआयना किया। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया मौका रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेज दी गई है। ये SP के वो झोपड़ा जलने से मौके पर पहुंचा, जो भी सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी उसे दिलाने की कोशिश करेंगे। ग्राम बिराई में SP नटिया का घर का जो कच्चा झोपड़ा था वो अग्नि से जल गया है। उसकी सूचना मिलने पर पंचायत बैठक करते ही
हम तुरंत प्रभाव से सरपंच को साथ में लेकर और रिपोर्टर प्रेमाराम परिहार को लेकर के हम मौका मुआवजे के करने के लिए पूछे। वहाँ पर झोंपड़ा पूरी तरह से बढ़ चुका है और उसमें कपड़े रखे हुए हैं वो भी जल चुके हैं, वो खान पीन की खाद्य सामग्री वो भी जल चुकी है और राज के नियमानुसार जो भी कार्रवाई सहायता के लिए की जाएगी की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।